वेलकम डियर इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका अपने डस्ट फाइनेंस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। आज जो वीडियो बनाने का हमारा पर्पस था वो ये था कि एक बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी, आप देख सकते हैं कितना मार्केट कैपिटल है इसका, तो ये देखिए आप स्क्रीन पर 14 लाख करोड़ रुपये। और अगर मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें तो रिलायंस के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। इसने जो न्यूज़ मार्केट को दी है उसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि इसका भाव क्या है। अभी भाव लगभग 3,858 रुपये, ठीक है। और अगर आप इसके भाव की हिस्ट्री देखेंगे तो आप देखेंगे कि 164, 140 2005 से लेकर ये 4,000 का भाव छू चुका है अब तक। तो लगभग 16 साल में आप देखिए 150 रुपये से लेकर और 4,000 रुपये मल्टी बैगर रिटर्न, ठीक है। इस शेयर के बारे में आप सभी जानते हैं, लगभग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सभी जानेंगे, क्योंकि बहुत फेमस शेयर है ये मार्केट का, इंडियन मार्केट का। अभी मार्केट कैपिटल के बारे में जानने के बाद ये जो न्यूज़ है वो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग से लगती है। तो इसकी वेबसाइट पर हम गए तो हमने देखा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है शेयर से रिलेटेड, हाउ मेनी शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग। तो इन्होंने बताया है कि एज ऑफ September 30, 2021 TCS हैड 369 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है इन्वेस्टर्स। तो उसका क्या फर्क पड़ा है तो हम देखते हैं। देखिए आप सीधा इसकी शेयर होल्डिंग पे चलते हैं और देखते हैं तो प्रमोटर के पास देखिए 72.05 से लेके 72.19, यानी यहाँ से लगभग 0.14% शेयर्स जो हैं इन्होंने प्रमोटर्स ने और खरीदे हैं मार्केट से। तो अभी जो न्यूज़ है वो भी इसी को रिलेटेड है। तो देखिए आप, ये एक नोटिफिकेशन कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दिया है जिसमें लिखा है कि 12 जनवरी 2022 को, जिस दिन इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये एक प्रपोजल को कंसीडर कर सकते हैं जो कि बायबैक का होगा। बायबैक यानी कंपनी मार्केट से अपने शेयर वापस अपने पास लेगी। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, जो कंपनी के पास या प्रमोटर्स के पास जो शेयर 72.19% है वो और बढ़ जाएंगे। इसका फ्रेंड्स क्या मतलब होता है तो ये आप जान लीजिए कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर वापस लेती है मार्केट से, इसका मतलब जो प्रमोटर्स हैं उनको कंपनी में पूरा विश्वास है कि उसका प्राइस अभी अंडर वैल्यूड है, यानी जितना भाव मार्केट को उसे शेयर को देना चाहिए उतना नहीं दे रहा है। तो प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि वो पूरे शेयर या जितने भी परसेंटेज के शेयर्स हैं वो कंपनी वापस बायबैक करेगी। तो बायबैक का फ़ायदा आप लोगों को क्या होता है तो देखेंगे आप, अभी 3858 रुपये और देखेंगे आप 51% ऊपर, यानी लगभग 1.35% ऊपर गया है ये शेयर लास्ट क्लोजिंग पे फ्राइडे को। इसका मतलब जो भी प्रेजेंट मार्केट प्राइस होगा बायबैक में, कंपनी ये श्योर है कि उससे ज़्यादा ही, मार्केट प्राइस से ज़्यादा ही आपको देने वाली है, ठीक है। तो फिलहाल मान लीजिए 3858 रुपीज़ है तो मान लीजिए आपको 4,000 का या 4,500 या 4,500 का बायबैक अगर आता है तो जितने भी शेयर आपके होंगे उसमें रिटेल वाइज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाइज सबका कोटा डिसाइड होगा, उतने शेयर आपके बायबैक में कंपनी इस भाव से अगर लेगी तो ले लेगी। तो सीधा सीधा ये जो डिफरेंस होगा इस प्राइस का और इस प्राइस का वो आपको प्रॉफिट होगा। एक बात इसमें ध्यान रखने जैसी है जहाँ पर हम इन्वेस्टर्स या जो भी ट्रेडर्स हैं वो गलती कर जाते हैं कि हम इस चक्कर में मार्केट से शेयर्स को ले लेते हैं कि जितने भी हम शेयर्स लेंगे, हमारे पास मान लीजिए 1,00,000 रुपये हैं और हमने 1,00,000 के शेयर ले लिए और जितने भी वो शेयर आए, मान लीजिए आपके पास अभी हैं 30 शेयर्स, तो आप ये सोच में रह जाते हैं कि अगर एक शेयर पे 500 रुपये मिल रहे हैं तो हमको 30 × 50 15,000 रुपये का सीधा प्रॉफिट होगा। पर ऐसा नहीं हो पाता है, उसमें आप क्लियर हो जाइए, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि जितने भी शेयर्स मार्केट से बायबैक होंगे उसमें अगर आपके पास 30 शेयर्स हैं तो ये गारंटी नहीं है कि कंपनी आपके पूरे शेयर आपसे वापस ले लेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें से जो भी मान लीजिए रिटेल के लिए जितना मान लीजिए 15% अगर कंपनी ने अलॉट किया है तो आप भी मान के चलिए कि आपका 30 का 15% यानी मान लीजिए रिटेल का जितना भी होगा उसका 15% ही आपका वापस जाएगा। तो मान लीजिए आपके 5 शेयर ही जाते हैं और आपको एक शेयर पे 500 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 2500। लेकिन जब कंपनी ये डिफरेंस पे बायबैक करती है तो जिस दिन ये बायबैक की जो बोलते हैं हम रिकॉर्ड डेट होती है, ठीक है, उसके जस्ट
उसी दिन जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से गिर जाती है। तो आपके पास जो बचे हुए शेयर्स होते हैं जो बायबैक में नहीं गए हैं, उन पर आपको बहुत बड़ा लॉस भी होता है। तो उस चक्कर में आप मार्केट से शेयर मत ले लीजिएगा कि हम जितने भी शेयर लेंगे बायबैक में चले जाएंगे और हमको बड़ा प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर ये हमारी लर्निंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इतना ही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। थैंक यू डियर इन्वेस्टर्स।